तो दोस्तों यह है नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच और यह है इसकी बॉक्स की फ्रंट साइड की पैकिंग। यहाँ पे आप सबको नॉइस का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं एंड नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आप सबको कलर फिट बीट मॉडल नेम का भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं और बॉक्स के सेंटर में हमें इस स्मार्ट वॉच का जो लुक और डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू। तो सबसे पहले बॉक्स की ओवरऑल पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन इन इंडिया का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं एंड बॉक्स के लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको लिसन टू दी नॉइज़ विजन का भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे। और बॉक्स के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप सबको इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चर डिटेल और MRP मेंशन है। और अगर हम इसका प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप सबको ये स्मार्ट वॉच 2500 रुपये की रेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमें इसमें से क्या मिलता है। तो गाइस बॉक्स को ओपन करते ही आप सबको यहाँ पे नॉइस कलर फिट बीट का यूज़र मैनुअल मिल जाता है और साथ ही में एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। एंड इसके बाद आप सबको यहाँ पे USB मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है। अगर वायर की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट आप सबको यहाँ पर नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच मिल जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर यही सारी चीज़ें आप सबको मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को रख लेते हैं हम साइड में और अब हम बात कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच के ओवरव्यू लुक डिज़ाइन एंड बिल्ट क्वालिटी के बारे में बात। तो दोस्तों ये है नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच के लुक और डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप सबको डिस्प्ले का लुक और स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे आप सबको रेक्टेंगल शेप का डिस्प्ले मिल जाता है एंड इसके इंटरनल डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप सबको 1.4 इंच का कलर डिस्प्ले मिल जाता है और इसके डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है एंड स्टाइल के मामले में जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी स्टाइलिश एंड स्लिम डिज़ाइन के देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम इसके साइड से बात करें तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है जो कि क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है। और अगर हम इसके साइड से बात करेंगे तो यहाँ पर आप सबको इस स्मार्ट वॉच में एक बटन मिल जाता है जो कि मल्टी फंक्शन बटन है जिसे लॉन्ग प्रेस करने से आप इस स्मार्ट वॉच को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो एंड फंक्शन को प्रीवियस यानी कि बैक भी कर सकते हो इसी बटन कंट्रोल से। बाकी ये अगर हम इसकी साइड से बात करेंगे तो ये जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी स्लिम है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसका ओवरऑल जो बॉडी है वो प्लास्टिक कार्बन के साथ में देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम इस स्मार्ट वॉच के बैक साइड से लुक की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको नॉइस का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ सेंटर में आप सबको इस स्मार्ट वॉच के जो सेंसर वगैरह है वो सारे आप सबको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सबको कलर फिट बीट का जो मॉडर्न ब्रांडिंग वो भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर साइड में आप सबको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम इसके स्ट्रैप की बात करेंगे तो यहाँ पर आप चेंजेबल स्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप अपने चॉइस के अपने कलर पसंद के यहाँ पे स्ट्रैप को भी चेंज कर सकते हो। अगर हम स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्रैप की क्वालिटी सिलिकॉन में है लेकिन क्वालिटी मुझे एवरेज लगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आप सबको बकल भी मेटल का मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रैप की जो क्वालिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज है। एंड अगर हम इसके कुछ UI इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे हम स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड, हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, देख सकते हो आप रिकॉर्ड वगैरह, BT म्यूज़िक वगैरह, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आप सबको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हो, अलार्म भी मिल जाता है आप सबको, स्टॉप वॉच है, वेदर है एंड सेटिंग का भी ऑप्शन आप सबको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सबको इसका जो UI इंटरफेस है बहुत ही सिंपल एंड यूनिक UI इंटरफेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी सिंपल सा यूक है। और अगर हम इसके टच कंट्रोल की बात करें तो इस स्मार्ट वॉच का जो टच कंट्रोल हो काफ़ी अच्छे टच देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट स्टार्ट करो तो यहाँ पे आप सबको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन स्ट्रैप की क्वालिटी थोड़ा सा एवरेज है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप सबको इस नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच का लुक, डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में किसी भी तरह की कमी नहीं है, आप सब इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आप सबको नॉइस कलर फिट बीट स्मार्ट वॉच कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।